शहडोल में पुराने पुलिस कंट्रोल रूम के पास महिला पुलिस थाने में वर्चुअल शुभारंभ किया गया। अब महिला संबंधी अपराध और शिकायतों की जांच विवेचना महिला संबंधी अपराधों का थाने में की जाएगी। शिकायतों की जांच विवेचना महिला थाने में की जाएगी। इससे अपराधों के नियंत्रण में न्याय मिलने में आसानी होगी। थाना प्रभारी ज्योति सिकरवाल व तीन महिला उप निरीक्षक आसिमा गौतम, आराधना तिवारी, सावित्री सिंह, प्रधान आरक्षक व 5 आरक्षक की पद स्थापना की गयी। महिला थाने हेतु शासकीय सीयूजी नंबर आवंटित किया गया जो 24 घंटे उपलब्ध रहेगा, जिससे महिला संबंधी अपराधों का तत्परता से निराकरण कर सकेंगे। ये महिला थाना आज उद्घाटन किया गया है हमारे शहडोल जिले का। यह संभाग में पहला महिला थाने का उद्घाटन हुआ है हमारे संभाग में, और यह मुख्यमंत्री जी पूरे प्रदेश में चाह रहे थे कि हर जिले में महिला थाने हों, जहाँ पर महिलाएँ खुलकर अपनी समस्याओं को, अपनी जो तकलीफ़ों को वहाँ पर बयान कर सकें, क्योंकि महिला और महिला ही एक दूसरे की समस्याओं को, दुखों को समझ सकती है। तो इस थाने के कारण जो महिला उत्पीड़न, महिला हिंसा और जो अत्याचार महिलाओं के ऊपर होता है, इस थाने के माध्यम से निश्चित ही मुझे विश्वास है यह यहाँ से निराकरण होगा और यह एक ईमानदारी का एक परिचय होगा महिलाओं के इस थाने से। इसी के साथ धन्यवाद। मध्य प्रदेश के सभी जिलों में आज महिला थानों का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर शहडोल जिले में भी महिला थाना खोला गया। इसमें जिला भर में महिलाओं का कोई भी शिकायत हो, छेड़खानी का या बलात्कार का, मारपीट का या यदि डोमेस्टिक वायलेंस का इस प्रकार शिकायत हो, महिला जो है कि निसंकोच इस थाने में आके महिला अधिकारियों के साथ समक्ष ये बात रख सकते हैं। इसके अलावा जिले में किसी भी थाने में यदि अपराध पंजीबद्ध होता है, वह अपराध इस थाने में ट्रांसफ़र करा के यह का अधिकारियों से विवेचना कर सकते हैं। इससे अपना बात पूरा निडर होकर महिला अधिकारी के पास रखने से उसका प्रकरण मजबूत बनेगा, इसमें अपराधियों को साझा होने में आसान होगा। ये काफ़ी सुविधाजनक है। ये आदिवासी बहुल्य में इस थाना का काफ़ी अच्छा पहलू है मुख्यमंत्री महोदय का। इससे जो है कि महिलाओं का काफ़ी फायदा होगा। मध्य प्रदेश शासन द्वारा शहडोल जिले में महिला थाना खोले जाने की राजपत्र में घोषणा के बाद आज दिनांक 1 जुलाई से महिला थाना शहडोल में अस्तित्व में आ गया है। माननीय विधायक गणों के द्वारा जो है और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। आज से संपूर्ण जिले में महिला संबंधी कहीं का भी कोई अपराध है उसकी रिपोर्ट महिला थाना शहडोल में हो सकती है। इसका ज्यूरिसडिक्शन पूरा जिला होगा और रिपोर्ट भी हो सकती है, आवेदन पत्र की जाँच भी हो सकती है और इसमें आगे की कार्रवाई के लिए भी ये थाना सक्षम होगा। ये इस थाने में प्रथम थाना प्रभारी के रूप में ज्योति सिकरवार निरीक्षक जो हैं उनकी पदस्थापना की गई है और एक डेडिकेटेड नंबर इस थाने का 7587636169 एक डेडिकेटेड नंबर चालू किया गया है। कोई भी महिला, कोई भी बच्ची पीड़ित अगर है, तकलीफ में है, तो इस नंबर पे फ़ोन करके मदद ले सकती है। एक निर्भया मोबाइल भी इस थाने से अटैच की गई है। महिला सेल जो है वो महिला थाने के अंतर्गत काम करता रहेगा। परामर्श केंद्र भी जो है अब वो महिला थाने के एक तरीके से साथ में काम करेगा। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि महिला संबंधी शिकायतों का शीघ्र निराकरण हो और FIR या जो भी कार्रवाई हो उसमें किसी महिला को परेशान न होना पड़े। शहडोल से दीपक कुमार गर्ग की रिपोर्ट।